स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फाइव पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल क्लास 10th सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1। हमारा नाम क्या है यूनिट नंबर 1 का? केमिकल इक्विलिब्रियम। मैंने स्टार्ट वाले पहले दो लेक्चर इसके दिए हुए, लेकिन एक बार फिर गो थ्रू हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ पढ़ना चलते हैं। मैंने आपको पहले से ना लेक्चर में बताया था कि सबसे पहले कंसेप्ट दिया था हमारे पास फॉरवर्ड, रिवर्स, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं? ये डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास वो होते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टर। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। और रिवर्सिबल हमारे पास कौन से होते हैं रिएक्शन? जिसमें प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एग्जाम्पल है इसको सॉल्व करने के लिए। मैं कहती हूँ मैं वाटर प्लस O2 एरोसाइन, हम लोगों ने इसको कैटलिस्ट प्रोवाइड किया प्लैटिनम, साथ में हीट दी, तो ये हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो गया 2H2O। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, N2 प्लस 3H2 एरोसाइन 2NH3। ये एरो क्या शो करवाता है कि सिर्फ रिएक्टेड आपस में मिलके क्या बना रहे प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेड में कन्वर्ट नहीं हो रहे, लेकिन ये रिएक्शन हमें क्या बताता है कि प्रोडक्ट्स वो तो बन रहे, लेकिन प्रोडक्ट्स बन रहे, प्रोडक्ट्स अगेन दोबारा अगेन इसमें कन्वर्ट हो रहे, रिएक्टर्स में कन्वर्ट हो रहे। तो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन वो हुए जिसमें प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टर में कन्वर्ट ना हो, और रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास कौन से हुए जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टर में क्या हो रहे कन्वर्ट हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। इसी तरह मैंने इसको डबल एरो से शो करते हैं, उसको सिंगल एरो से शो करते हैं, और ये हम लोग इसको ना सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है कम्प्लीट रिएक्शन है, लेकिन हम इसको सपोज कर लेते हैं दे नेवर गोज टू कम्प्लीशन, ये कम्प्लीशन की तरफ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसमें जितने प्रोडक्ट्स बनते हैं वो प्रोडक्ट्स दोबारा इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं रिएक्टन में, और रिएक्टन दोबारा इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाता है नेक्स्ट कंसेप्ट किसका आ जाता है? फॉरवर्ड एंड रिवर्स। तो अगर ये वाटर और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो रिएक्शन किस तरफ जा रहा है? फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है। अगर वाटर जो है वो डीकम्पोज हो रहे H2 में और O2 में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? रिवर्स रिएक्शन। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन। ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन आ जाएगा, और नीचे वाला हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा रिवर्स रिएक्शन आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम था कि जब रिएक्शन जो है वो हमारा सपोज टू कम्प्लीट सी से है ना, हम लोग फर्ज कर लेते हैं कि हमारा रिएक्शन जो है वो सीज टू प्रोसीड, आगे बढ़ना जो है वो रुक गया है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कह देंगे। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जिसमें हम लोग सपोज कर लेते हैं हमारा रिएक्शन सीज टू प्रोसीड के स्टॉप हो गया है। इसी तरह फिर हम लोगों ने डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था। डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या था कि हमारे पास जितने रिएक्टेंट्स हैं ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू ईच अदर बट अपोजिट इन डायरेक्शन, देन दिस स्टेट इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। हम लोगों ने इसका ग्राफ भी देखा था। ग्राफ में क्या होता है हमारे पास कि एक तरफ हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है? यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन की कंसंट्रेशन है, यहाँ पे आके यहाँ पे इंक्रीज है,
फॉरवर्ड रिएक्शन की कंसंट्रेशन। यहाँ पे आके ये क्या होगी, ये डिक्रीज, जहाँ पे ये डिक्रीज होगी वहाँ पे रिवर्स रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी यहाँ पे, और ऐसा ऐसा क्या होती जाएगी, ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये हमने ग्राफ भी देखा, इसी तरह से हम लोगों ने माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी देखी थी डायनामिक इक्विलिब्रियम की। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारे पास आज का हमारा टॉपिक है वो कौन सा, लॉ ऑफ मास एक्शन। हमारा आज का टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ दिया था, गुलबर्ग एंड बेच। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ला दिया था, इन्होंने ये ला दिया था अब इस ला को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो कंसेप्ट होगा वो किस चीज का होगा, एक्टिव मास का। वट इज एक्टिव मास? एक्टिव मास हमारे पास क्या आएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर्स एंड द प्रोडक्ट्स। एक्टिव मास हमारे पास क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टर्स एंड प्रोडक्ट्स की जो मोलर कंसंट्रेशन होगी हमने उसको क्या कह देना है, एक्टिव मास कह देना है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ द रिएक्टर्स टू बी कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट्स। तो वो हम उसे क्या कह सकते हैं, एक्टिव मास कह सकते हैं। एक्टिव मास को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या, हमारे पास क्या होगा, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो हमारे पास जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। ये हमारे पास क्या आएगा, इसका यूनिट आएगा। हम इसको लिखते कैसे हैं, इसको एक्सप्रेस जाहिर किससे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। इसको कैसे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। एक्टिव मास हमारे पास होता क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है ऑफ द रिएक्टर एंड प्रोडक्ट्स की। या हम अगर आसान वर्ड्स में देखें तो एबिलिटी ऑफ द रिएक्टर्स टू कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट्स। तो इसको निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जिसमें हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब। और हम इसको जाहिर किससे करते हैं, बाय स्क्वायर ब्रैकेट से हम इसको क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा पहला कंसेप्ट आ गया कि एक्टिव मास हमारे पास होता क्या। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपना नेक्स्ट लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन करते हैं। अब डिफाइन है लॉ ऑफ मास एक्शन की, इसमें डिफाइन में सबसे पहले क्या कह रहे हैं, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। इसको
समझने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट इस दो पार्ट में मैंने डेफिनेशन को डिवाइड कर दिया। ये इसका पहला पार्ट है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं इसकी। डेरिवेशन में हमारे पास हम लगा लेते हैं, सपोज हमारे पास क्या है, कंसीडर कर लेते हैं, या सपोज हम लोग एक रिएक्शन ले लेते हैं ए प्लस बी सी प्लस डी। जो दो सब्सटेंस आपस में मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स। और जो हम मिलकर कोई चीज़ बना रहे हैं, तो कोई नई चीज़ बना रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट्स। तो इधर वाली साइड पे हमारे पास क्या हुआ है, ये हमारे पास क्या आ गए, रिएक्टेंट, वो हमारे पास क्या आ गए, प्रोडक्ट्स। और ओवरऑल हमारे पास ये ना क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। अब अगर हम इसके ना कंसिडरेशन ब्रैकेट्स पुट कर दें इनके दरमियान में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट्स क्या शो करवाएगी इनकी, मोलर कंसर्वेशन या एक्टिव मास को क्या करवाएगी, शो करवाएगी। तो ये वाला रिएक्शन हमें क्या कहलाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा। लेकिन जब प्रोडक्ट्स के इस तरफ आएंगे तो ये क्या कहलाएगा, रिवर्स रिएक्शन कहलाएगा। तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसर्वेशन ऑफ द ए कंसर्वेशन ऑफ द बी। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसर्वेशन ऑफ द सी कंसर्वेशन ऑफ द डी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसर्वेशन ऑफ द ए कंसर्वेशन ऑफ द बी, एंड द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसर्वेशन ऑफ द सी एंड कंसर्वेशन ऑफ द डी। अब आपको पता है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, के। प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, के। और रेट ऑफ फॉरवर्ड को हम लोग शो ऑफ करवा देंगे आर एफ। आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर एफ किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट को हम शो करवाएंगे के से। तो आर एफ इज इक्वल टू के एफ कंसीडरेशन ऑफ द ए कंसीडरेशन ऑफ द बी। इसी तरह हमारे पास आर किसको शो करवाएगा, रेट को। और स्मॉल आर रिवर्स इज इक्वल टू के आर कंसीडरेशन ऑफ द सी कंसीडरेशन ऑफ द डी। अब रेट्स हमने कहा कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम के ऊपर दोनों रेट्स क्या हो रहे थे, इक्वल। अब हम दोनों रेट्स को क्या रखते हैं, एक जैसा। आर एफ इज इक्वल टू आर आर, यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, के एफ कंसीडरेशन ऑफ द ए कंसीडरेशन ऑफ द बी। इसी तरह के आर कंसीडरेशन ऑफ द सी कंसीडरेशन ऑफ द डी। अब ये क्या होगा, क्रॉस एक्सचेंज होंगे। जब क्रॉस एक्सचेंज होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के एफ डिवाइडेड बाई के आर इज इक्वल टू कंसीडरेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स कंसीडरेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स कंसीडरेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स कंसीडरेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स कंसीडरेशन ऑफ द रिएक्टेंट। के एफ डिवाइडेड बाई के आर वो किसके इक्वल हो जाएगा, कंसीडरेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स कंसीडरेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब हमारे पास जो के एफ डिवाइडेड बाई के आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, के सी। सी इज नोन एज कंसीडरेशन, के सी को हम ओवरऑल क्या कह देंगे, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई के सी इट इज रिप्रेजेंटेड बाई के सी। तो यहाँ पे हम लोग के सी लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, कंसीडरेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स कंसीडरेशन ऑफ द रिएक्टेंट कंसीडरेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स कंसीडरेशन ऑफ द रिएक्टेंट। के सी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के ऊपर हमारे पास क्या निकलता है, कंसीडरेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड कंसीडरेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो मैंने ये कहा था कि हमारे पास हमारी डेफिनेशन के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास।
ये देखें मैंने कहा ऊपर लिखा हुआ है द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रिएक्टिंग सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया एक्टिव मास के विच इज आल्सो नोन एज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। तो हमारी एक बात पहला पॉइंट जो है वो डेफिनेशन का क्लियर होता है कि द रेट एट विच सब्सटेंस द सब्सटेंस में भी ए बी सी डी ठीक है द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। दोनों में देखें फॉरवर्ड यहाँ पे ना फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में देखें जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। अगले ही हमारी डेफिनेशन का पार्ट था ये कहा कि ना रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट अब हम ओवरऑल बात कर लेते हैं द रिएक्शन एट विच सब्सटेंस द रिएक्शन एट विच द रेट ऑफ अ रिएक्शन। अब हम ओवरऑल बात करेंगे तो हम बात करेंगे द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट एक्टिव मासेस कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। यहाँ पे सिंपल हमने सब्सटेंस की बात की थी पहले पार्ट में द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। अब हम पूरे अपने रिएक्शन की बात कर रहे हैं द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट। यहाँ पे देखें इसमें देखें कि एक इक्विलिब्रियम के ऊपर के सी हमारे पास क्या आ रहेगा रिएक्ट्स आ रहेंगे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट। तो द ओवरऑल हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर्स। तो ये हमारे पास क्या था हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन था। ये हमें क्या बताता है रिलेशनशिप बताता है बिटवीन एक्टिव मासेस एंड रेट ऑफ अ रिएक्शन। ये हमें एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स एंड द रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या बताता है हमें रिलेशनशिप बताता है। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मासेस एंड रेट ऑफ अ रिएक्शन। आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे इसको हटा दें तो केसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर्स। तो ये हमारे पास क्या था हमारा ओवरऑल टॉपिक था। पहले हमने रिव्यू किया था कि हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था रिवर्स रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन हमारे पास क्या है फिर उसकी डायनामिक इक्विलिब्रियम वो प्रॉपर्टीज खसूसियाँ देखनी थी। अब हम लोगों ने ब्रीफली डिस्क्राइब किया लॉ ऑफ मास एक्शन जो हमें क्या बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाता है एक्टिव मास के। एक्टिव मास हमारे पास होता क्या है मोलर कंसंट्रेशन होती है एबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट टू कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट्स यूनिट क्या होता है मोल पर यूनिट क्यूब होता है और इसको हम जाहिर किसे करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर कर सकते हैं। इसको सॉल्व करते हुए हमने अपनी पूरी डेरिवेशन जो है वो सॉल्व की और हम इस बात के हमने ये बात प्रूव भी कर ली है कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था तब अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।